हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान और आई पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स ये हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट का पार्ट थर्टी है जिसने पहले के ट्वेल्व पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए हैं तो आप प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिए क्योंकि ये सब सीक्वेंस से चल रहा है और ये सब प्रीवियस प्रीवियसर कोश्चन्स है एस एस के या फिर एस के आए हुए किसी भी एग्ज़ाम में तो ये जी चल रही है और मिक्स क्वेश्चन है ठीक है जैसे आए हुए हैं तो प्लीज़ आप उसे देखिए और फिर आकर रेसर लगाइए और मेरा मानना है कि मैं ये सोच रहा हूँ जब आप इसे लगा लेंगे तो आप जब एग्जाम जाएंगे ना दिसंबर में जो आपका होने वाला एग्जाम है आपके अंदर एक एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और आप देखेंगे इसे करके कि हाँ मुझे आता है और जिसकी अच्छी तैयारी है जी इसमें वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसकी तैयारी जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कम से कम इसे लगा लें तो अभी उससे काफी कुछ हो जाएगा क्योंकि जो जी का ऐसा सेक्शन होता है हर एग्जाम में जिसमें हर कोई डरता बहुत है और इसी सेक्शन में ही लोगों का सेलेक्शन रुक जाता है ये समझ लीजिए क्योंकि तो ये सेक्शन ऐसा होता है तो मैथ भी लोग लगभग करने लगे हैं लग कर लेते हैं रीजनिंग सभी कर लेते हैं इंग्लिश भी लगभग सब कर लेते हैं अब आजकल लेकिन जीए से लोग बहुत डरते हैं चलो तो सोचते हैं मैं जीए से पता नहीं दस कर लूँगा बारह कर लूँगा इतने ही से हो जाए और जिसने वही अठारह तक पहुँचा दी रेंज अठारह बीस वो सलेक्शन ले गया तो ये मतलब जो है सलेक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है ये तो आप इसमें अच्छा ज़रूर करिए परफॉर्मेंस तो ज़्यादा टाइम लेते हैं चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कि इसमें संविधान के भाग चार एक में अनुच्छेद इक्यावन ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया मतलब ये बोला है कि हमारा जो पार्ट फोर ए है उसमें आर्टिकल है फिफ्टी वन ए इसमें कितने मौलिक कर्तव्य ये बताया पूछा गया तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो क्या ये नाइन है या फिर टेन है या फिर इलेवन है या फिर ट्वेल्व है तो कितने ये हैं इलेवन है, ठीक है और क्या ये शुरुआत से एलेवन थे नहीं ये शुरुआत से एवन नहीं थे जो हमारे मौलिक कर्तव्य ना ये जो हमारे जो फोर्टी टू फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में डाले गए थे ठीक है और ये कब हुआ था ये होता था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इसमें हमारे ऐड किए गए थे और ये कहाँ से लिए गए थे ये लिए गए थे सोवियत संघ से ठीक है और शुरुआत में ये दस थे केवल फिर क्या हुआ दो हज़ार दो में हमारा छियासीवा अमेंडमेंट हुआ कौन सा एटी ये छियासीवा संविधान सम, संशोधन हुआ तो हमारा इसमें एक और डाल दिया गया ग्यारहवा वो था शिक्षा अधिकार शिक्षा का अधिकार ये और ऐड कर दिया गया उसमें और ये कहाँ का एड किया गया मतलब जो 86 अमेंडमेंट हुआ उसमें आर्टिकल 45 फाइव यानी कि डी उसमें भी ये डाला गया और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार उसमें इक्कीस ए में भी यही डाला गया तो ये तीन जगह पर ऐड किया गया था शिक्षा तो तीनों जगह चेंजेस लिए गए थे कौन से एटी अमेंडमेंट एमेंडमेंट टू में ठीक है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन दे रहे हैं ज़्यादा नहीं देंगे ब्रीफली क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सोचेंगे कि सर ज़्यादा खींच रहे हैं लंबा वीडियो लंबा हो रहा है तो छोटा वीडियो करेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, है भारतीय संविधान की अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित अनुसूचित भाषाओं को मतलब कौन सी ये आठवीं अनुसूची बात कर रहा है ये एटथ शेड्यूल है जो हमारा इसमें कितनी भाषाएं ऐड की गई हैं तो कितनी भाषाएं ये तो आपको पता होगा फोर्टीन है या फिर ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी टू है एटीन है, है. तो कितनी है ये ट्वेंटी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत छः से चौदह वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन है आपका ट्वेंटी ए बी ए फोर्टीन ट्वेंटी वन है और एटीन है तो किस में ट्वेंटी वन ए के तहत तो अभी बताया था तो मैंने एटी सिक्सथ अमेंडमेंट हुआ था जो छियासवें संविधान दो हज़ार दो में इसमें देखो फोर्टी फाइव एक आर्टिकल है वो डी पी एस पी में यानी कि मे नीति निर्देशक तत्व तो उसमें भी यही ऐड किया गया इसमें भी यही ऐड किया गया और ग्यारहवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य उसमें भी यही ऐड किया गया तीनों में यही ऐड किया गया था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है मतलब जो हमारा जो डीपीएसपी उसमें से एक ऐसा एक आर्टिकल भी है जो किसा किसे बताता है किसका नाम बताता है ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है तो कौन सा आर्टिकल है बताइए पहला ऑप्शन हमारा फोर्टी नाइन दूसरा ऑप्शन हमारा फिफ्टी वन तीसरा सिक्सटी नाइन हो आर्टिकल सिक्सटी टू तो कौन सा ये ये हमारा आर्टिकल फिफ्टी वन ठीक है ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये डी पी एस पे में आता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है ये मैंने शायद आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि जब भी हम नए राज्यों का गठन करते हैं तो किसके तहत करते हैं ये करते हैं हम आर्टिकल थर्ड के तहत या फिर हमें बाउंड्रीज चेंज करनी हो किसी राज्य के या फिर नाम चेंज करना हो या फिर कोई क्षेत्र बढ़ाना हो घटाना हो तो ये हम सब आर्टिकल तीन के तहत करते हैं ठीक है और अगर हमें बाहर से कोई राज्य मिलाना हो जैसे कि मुझे चीन का अक्साई चीन मिला लेना है ठीक है तो आर्टिकल टू के तहत मतलब बाहर से कुछ भी लेना हो किसी अदर कंट्री से अपने मिला लेना है तो वो आर्टिकल टू होगा और हमें अपनी सीमाओं के अंदर ही जब हम चेंजेस करेंगे तो वो आर्टिकल थ्री होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत डीप में और बहुत बेसिक से नॉलेज मतलब आपको पॉलिटी पढ़ा रहा है मायंग सर जिससे बहुत कम लोग देखते हैं इतने मतलब ऐसा लगता है कि वो पता नहीं ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जो आपके कभी काम आएगा का नहीं और आप पढ़ेंगे नहीं जबकि वो जो नॉलेज दे रहे हैं ना वो मैंने यूट्यूब पे देखा है कोई भी नहीं देता है लोग जो पे थोड़ी दे, थोड़ी दे है यूट्यूब पर थोड़ी देर थोड़े दिन या एक या दो दिन बस थ्योरी क्लासेस चलाते हैं फिर कहते हैं आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आई एम शुरू कर देते हैं और फिर सब लोग क्या उनके क्या पेड ले कोर्स ले लेते हैं और फिर वो पेड कोर्स में जाके थ्योरी पढ़ाते हैं और जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे अच्छी और बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी पॉलिटी पॉलिटिक आपको इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं माइंसर लेकिन उनकी कोई ना व्यूज ना कोई देखता है जबकि वो प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी करा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की वन डे एग्जाम हो चाहे फिर वो आपको मेंस में लिखना हो तो बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं जी एस अब वो सब कुछ ऐसे कराएंगे और हम सब मिलकर आपके लिए ऐसी सोच रहे हैं कुछ प्लानिंग करें कि बेसिक से पढ़ाए जिससे आपका जो जी एस का हुआ है बिल्कुल खत्म हो जाए सो so, uh, जैसे कि वो थ्योरी पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में फिर मैं भी थ्योरी पढ़ा सकता हूँ और मैं इसके अलावा मैं वन लाइनर लेकर आऊँगा उसी जैसे वो पढ़ाएंगे इसलिए वन लाइनर लाऊंगा और फिर मैं एम सी क्यू से कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल डिटेल्स में क्लियर हो जाए क्लियर कट हो जाए कि हाँ जी क्या है और कैसे मैं एग्ज़ाम में टैकल करूँगा लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं ना व्यूज़ आते हैं उसमें हम जबकि अगर यही कोई अदर चैनल करवाते हैं कुछ भी उल्टा सीधा मतलब थोड़ा सा भी तो लोग उसमें मिलियन व्यूज़ पहुँचा देते हैं जबकि हम लोगों में पता नहीं क्या समझते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब कीजिए आपको पसंद आएगा ज़रूर आप एक बार देखिए तो उनकी प्ले लिस्ट में नहीं हुई और हमारा रंजन सर जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत डीप पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी आप देखिए अर्पित सर हमारे सी और टैट के बारे में पढ़ा रहे हैं वो भी देखिए प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर का प्रारूप है किसने तैयार किया ये आर्टिकल थ्री सेवनटी तो लोग देखते ही जवाहरलाल नेहरू टिक कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं किया तो किसने किया वो किया गोपाल स्वामी अयंगर इन्होंने किया था, था आर्टिकल थ्री सेवनटी का प्रारूप तैयार ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो आर्टिकल बताना जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया तो आर्टिकल फोर्टी फोर है या फिर वन हंड्रेड टेन है नाइन्टी थ्री है थर्टी थ्री तो कौन सा है ये आर्टिकल है वन हंड्रेड टेन ठीक है सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को छः मौलिक अधिकार दिए गए कौन से छ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है और वो स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं छः अधिकार कौन सा है वन तो होगा नहीं थर्टी फन है क्या ना ये भी नहीं है ट्वेंटी सिक्स ये भी नहीं कौन सा है नाइन्टीन है इसमें हमें छः तरह की स्तंत्रताएँ दी गई अब आपको छः तरह की स्वतंत्रताएँ पता ना हो तो आप नोट कर लीजिए देखो तो पहला है ए है नाइन्टीन ए है बोलने की स्वतंत्रता ठीक है और नाइन्टीन बी क्या है ये हमें क्या देता है ये देता हमें कि हम मतलब बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं एक साथ शांतिपूर्वक नहीं सभा कर सकते हैं खड़े हो सकते हैं ठीक है और सी क्या है सी बताता है मैं संघ की स्वतंत्रता ठीक है संघ बनाने की और डी बताता है डी बताता है मैं मतलब पूरे देश में कहीं भी हम घूम सकते हैं ये भी देता है और ई e बताता है कि हम किस देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं निवास की स्वतंत्रता और इसका जी क्या बताता है जी बताता है हमें क्या कि कहीं भी हम बिजनेस कर सकते हैं अपना मतलब व्यापार या जीविका चलने कुछ भी कर सकते हैं तो आपको मैंने सारी बता दी है अगर आप नोट कर लीजिए अच्छे से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और जो नाइन्टीन ए है इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी बताई गई है ठीक है प्रेस की स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभी हिस्ट्री शुरू हो गई आपसे मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि साल की थी, सालाई की संधि प्रस्ताव की तो 1769 में की 1771 में की में 1750 एटी 1782 कब है, की ये? ये की सेवनटीन एटी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया तो कौन था वो ये कल मैंने आपको करवाया था यह था आदरशाही वंश का ठीक है जनरल था वहाँ का अफजल गनी से शिवाजी महाराज ने मौत घाट उतार दिया था नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर की प्राचीन हम्पी यानी विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो है हम्पी ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है तो कॉमन क्वेश्चन है केरला तमिलनाडु कर्नाटक या तेलंगाना तो कहाँ ये कर्नाटक में है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ये याद रखिएगा आप ठीक है कर्नाटक में हम्पी नेक्स्ट मराठा शास, शासन में स्वदेश मुखी एक क्या था क्या था यह एक पेशवा के समकक्ष एक पद था या फिर मराठा शासन के दौरान एक सिक्का था या फिर राजस्व पर एक लिया जाने वाला कर या फिर शिवाजी को दिया गया नाम तो क्या था यह था एक राजस्व पर दिया जाने वाला एक कर ठीक है सर्वदेश मुखी नेक्स्ट देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई तो पानीपत की थर्ड वॉर पूछा गया कब हुआ था तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है मराठा और साम्राज और दुरानी के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ना ये तो पहली और दूसरी थी ठीक है और नहीं वो तो तराइन की थी पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच ठीक है और सिख और मुगल के बीच में अकबर और हेमचंद के बीच में हेमू नहीं हेमचंद विक्रमादित्य नहीं तो ये किसके बीच थी ये थी मराठा और दुरानी अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे दुरानी दुरानी अहमद शाह अब्दाली को अहमद दुरानी भी कहते हैं ये याद रखिएगा ठीक है में हुई थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए हराकर नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी क्या बन गई राजधानी पेशवाओं की विजय के बाद तो ये बन गई थी पूना ठीक है डायरेक्ट देख लीजिए नेक्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन जी के शुरू गई है तो इसका प्रक्षेपण का नियान क्या था ऑर्बिटर मोम का तो मोम का क्या था सी, पी एस एल वी सी फोर्टी टू था या फिर सी फोर्टी फाइव था या फिर सी फोर्टी सिक्स था या फिर सी ट्वेंटी फाइव था यही था ठीक है नेक्स्ट निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी किसके पाई थ्री पॉइंट वन फोर है ये जो गणना किसने की थी ये पूछा गया तो ये किसने की थी बुधायन ने की थी या फिर आर्यभट्ट ने या फिर भास्कराचार्य या शिधराचार्य ने तो ये किसने की थी ये बौधायन ने की थी आप लोग आर्यभट्ट टिक कर आएगा ये नहीं थे ठीक है नेक्स्ट किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो क्या वो इंदिरा गांधी थी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट ये पूछा गया ठीक है या सुचेता कृपलानी थी सरजनी ने ममता बनर्जी थी तो ये कौन थी सुचेता कृपलानी थी यूपी की और यूपी की ही मतलब महिला राज्यपाल भी पहली जो थी देश की वो भी यूपी की थी कौन थी सरोजनी नायडू ठीक है नेक्स्ट माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला महिलाओं के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटेजी जीके से तो आप जो भी फर्स्ट फीमेल अभी करंट में बने वो भी देख लीजिए और जो स्ट्रैटेजी जीके हम जितने भी हैं मैं कवर करवा रहा हूँ जितने मैं करवा सकता हूँ बाकी आप भी कवर कर लीजिए अपने पास से तो ये माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो कौन थी ये थी प्रियंका मोहिते अच्छे से याद कर लीजिए इन्हें ठीक है नेक्स्ट प्रथम फिलिप कोटल राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो ये फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार ये, ये किसे मिला ये मिला मोदी जी को ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पाक जल डमरू मध्य क्या है यानी कि पाक स्ट्रेट की बात कर रहा पाक स्ट्रेट तो जैसे ही लोगों ने पाक देखा लोगों ने एक ऑप्शन ढूंढा कहाँ है पाकिस्तान ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है बस यहाँ पे टिक कर गया लेकिन ये नहीं है ये पाक स्टेट नाम ज़रूर है लेकिन ये क्या है ये एक क्या है ये एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है मतलब जो भारत तमिलनाडु कुछ एरिया है इंडिया के नीचे बिल्कुल तमिलनाडु का एरिया है और जो श्रीलंका का एरिया है जाफना एक स्टेट होता है श्रीलंका में एक जाफना स्टेट है यहाँ से दोनों को अलग करता है ये ठीक है पाक स्टेट नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सेटल करती है यानी सबसे धीमे 2.5 सेंटीमीटर ही केबल करती है पर ईयर तो कौन सी है क्या ये रिज है या फिर उत्तर अमेरिकी प्लेट है या फिर मध्य अटलांटिक है या फिर पूर्वी प्रशांत उभार है तो कौन सी है? तो यह रिज ठीक है नेक्स्ट अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है यह क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये जोग्राफी वो भी डीप में मतलब ये बात कर रहा है जब पैंजिया था जब टेथिस सागर था और जब गोंडवाला लैंड था उस टाइम की बात कर रही है तो अल्फ्रेड वैग्नर ने बताया दिया कि महाद्वीपीय बहाव के आगे एक एकल महाद्वीपी द्रव्यमान को घेरने वाला एक विशाल महासागर भी था तो क्या कहते थे उसे उसे कहते थे पनामा कहते थे या था पैंजिया पिंगमेलियन या फिर पैथल तो क्या कहता था ये पैथल था तो देख लीजिए आप आप देखिए डिटेल देखिए कितना डिटेल पूछते में पूछता है सस्ती में मतलब प्री हिस्टोरिकल भी पूछ लेंगे हिस्ट्री से और यहाँ से जोग्राफी में बहुत पीछे का पूछ देंगे जब अर्थ का मतलब क्या कंस्ट्रक्शन हुआ हमारे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का कैसे कैसे बना कैसे कौन बना नैन अलग हुआ कैसे टैथिस सागर तो ये सब पूछते हैं तो ये मैं सोचे कि कुछ मतलब ऊपर ऊपर पूछा ऐसा कुछ नहीं है इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करिए अपने आप को परखिए विश्व के किस महाद्वीप में भारत चीन तथा जापान स्थित है कौन सा महाद्वीप है ये तो आप आसान है एशिया ठीक है नेक्स्ट किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया मतलब 1817 में इन्होंने किसके तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर सिद्धांत विकसित किया कौन थी? थे कि ये पॉल क्रूगमैन थे या गैरी बेकर या डेविड रिकार्डो या फिर मिल्टन फ्राइडमैन तो कौन थी ये थी डेविड रिकार्डो जो भी आपको नया क्वेश्चन कहा आप उसे नोट कर लीजिए ठीक है ये इकोनॉमिक्स एक, चल रही है ठीक है यहाँ से नेक्स्ट है निम्न में से किस गतिविधि गतिव को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है अब गोल्ड कॉलर पेशा देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर है सेकेंडरी या फिर क्वाटर्नरी या फिर प्राइमरी या फिर कोइनरी अब ये आपने सेकेंडरी सुना होगा प्राइमरी सेक्टर सुना होगा और टर्सरी सेक्टर सुना होगा ये क्वार्टनरी और कोइनरी नहीं सुना होगा आपने तो ये किस में आते, है? ये थर्थ ये आते हैं ये थर्ड ये टर्सरी में ही आते नहीं थर्ड सेक्टर होता है जो हमारा उसमें ही आते ही हैं ये दोनों उसी के पार्ट होते हैं कौन से ये क्वार्टनरी और कोइनरी तो ये जो गोल्ड कलर होता है ये कोइनरी में आता है किसने कोइनरी में अब ये क्या होता है ये वो मतलब ऐसे लोग होते हैं जैसे कि रिसर्चर हुए साइंटिस्ट हुए ठीक है और बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए ये सब जो है इस सेक्टर में था कोई नरी याद रखिएगा ये इन्हें गोल्ड कॉलर बिजनेस करते ठीक है नेक्स्ट थोक मूल सूचकांक 2019 में थोक मूल सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है मतलब आधार वर्ष पूछा गया किसे लिया जाता है किससे थोक मूल सूचकांक की गणना के लिए तो किससे लिया जाता है ये 2011 हजार को लिया जाता है ठीक है याद कर लीजिए नेक्स्ट भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया तो मतलब हमारी जो मिश्रित अवस्था के आधार पर पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी ये पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन ये है तो क्या वो एटीन फिफ्टी था या फिर 1948, फोर्टी एट या फिर नाइनटीन सिक्सटी टू तो कौन सा है ये नाइनटीन फोर्टी एट इसमें हमारी पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशिल पूंजी है क्या वो थ्रेसिंग मशीन है फिर पैसा या फिर ट्रैक्टर या भूमि कौन सा है ये मनी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ऐसे साइंस शुरू हो गई है ठीक है तो क्या ओम लॉ पूछा गया ओम का नियम क्या कहते हैं तो ओम का नियम आपको पता होगा क्या होता है आई बराबर वी ओपॉन आर ठीक है और आई क्या होती है आई करंट होता है धारा होती है वी होता है वोल्टेज और आर होता है प्रतिरोध ये देख लो कहाँ पर है तो कहाँ है ओम्स लॉ यही ये विद्युत धारा बराबर वोल्टेज प्रति रेसिस्टेंस ठीक है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस ये सही हिंदी में नहीं चाहिए वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस पहले ऑप्शन हमारा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है या फिर बीच में शून्य होता है या बिंदु से बिंदु पर मिलता है या फिर एक समान रहता है तो परि में क्या होता है एक समान रहता है क्या चीज़ चुंबकीय क्षेत्र ठीक है एक समान रहता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है इनमें से एक प्राथमिक हमारा फोर्स नहीं है प्राइमरी फोर्स तो कौन सा नहीं है क्या वो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र है या फिर सूर्य द्वारा ताप है या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर कोरियोले से कौन सा है यह है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है जो करंट होता है हमारा जैसे एक सर्किट है, ये हमारा सर्किट लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ होता है फिर आगे सर्किट जुड़ जाता है तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो हमारा क्या जो सर्किट में हमारा जो एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे हमें लोग क्या पता करना होता है करंट कितना चल रहा है ये देखना होता है तो वो डिवाइस कौन सी तो डिवाइस का गैलवेनोमीर है या फिर सिग्न स्विगनो या फिर बैरोमीटर है फिर मैग्नेटोमीटर है तो कौन सी है वो इस गैलवेनोमीटर होती है ठीक है जिससे हम लोग करंट का पता लगाते हैं सर्किट में नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन है भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है मतलब क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि जब दो आवेश इनके बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए तो जो इनके बीच लगने वाला बल होता है वो अपने का जो भी उस टाइम का होता है जो बल लग रहा था उसका एक चौथा ही होता है जब इनके बीच की दूरी डबल कर देते हैं तो ये कौन सा नियम होता है यह होता है कूलाम का नियम अच्छे से याद कर लीजिए इसे पढ़ लेना बहुत अच्छे से आप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज ता फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है मतलब क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं द रेटिंग फॉर ए फ्यूज़ यूज इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ तो किस बेसिस पे ये हम लोग पता करते हैं करंट के बेसिस पे ठीक है फ्यूज़ को करंट के बेसिस पे पता करते हैं तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा सभी ए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ठीक है धन्यवाद